CIET NCERT द्वारा प्रस्तुत है प्रेरक गाथाओं की श्रृंखला इन्हें हमारा सलाम। तो आइए इस श्रृंखला में सुनते हैं कार्यक्रम कालीबाई, एक जनजातीय वीरांगना। नमस्कार साथियों। मेरा भी नमस्कार। साथियों, राजस्थान की भूमि रणबांकुरों की भूमि है। यहाँ की माटी ने बहुत से वीरों, वीरांगनाओं और शहीदों को जन्म दिया है। आज हम सुनने जा रहे हैं इसी राजस्थान की भूमि की एक वीर गाथा। तो आइए चलते हैं सन 1947 के पहले के राजस्थान के डूंगरपुर जिले में और पलटते हैं वहाँ के समृद्ध इतिहास के गौरवशाली पन्नों को। और जब उन पन्नों को हम पलटते चले जाएंगे तो हमारी उंगलियां ठहर जाएंगी बहुत से सुनहरे पन्नों के बीच एक ऐसे पन्ने पर जिस पर लिखी है एक बालिका के रक्त रंजित जीवन उत्सर्ग और बलिदान की गौरव गाथा। आप पूछेंगे, कौन थी ये बालिका, क्या है इसका परिचय, ऐसा क्या किया था इसने कि आज पूरा राष्ट्र उसे सम्मान के साथ याद करता है, क्या है इसका नाम जिसकी कीर्ति में आज अरावली की पहाड़ियों में लोक गीत गूंजते हैं और कृतज्ञ राष्ट्र उसे श्रद्धा के साथ नमन करता है। तो चलिए हम बताए देते हैं, वह बालिका थी कालीबाई कलसुआ, जिसकी उम्र थी 13 वर्ष। कालीबाई कलसुआ भील जनजाति की बालिका थी। आदिवासियों का गढ़ है दक्षिणी राजस्थान। इस क्षेत्र का एक जिला है डूंगरपुर। इस जिले का एक गांव है रास्तापार। भारत की आजादी के पहले तक यहां कोई सरकारी स्कूल नहीं था, लेकिन एक सामुदायिक स्कूल जरूर था जिसे स्थानीय प्रजामंडल चलाता था। इस पाठशाला में आदिवासियों के बालक भी पढ़ते थे और बालिकाएं भी, और इन्हीं बालिकाओं में से एक थी कालीबाई कलसुआ। इस पाठशाला के संरक्षक थे श्री नाना भाई खाट, जो प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी थे। इसी पाठशाला में एक शिक्षक थे श्री सेंगा भाई रोत, जो पूरी निष्ठा से बच्चों को पढ़ाते थे। शिक्षक सेंगा भाई बालकों को कभी अंग्रेजों के शोषण और अत्याचारों के बारे में बताते थे तो कभी उन अंग्रेजों के चाटुकार अत्याचारी सामंतों की कहानी सुनाते थे। ये बात उन दिनों की है जब पूरे देश में स्वतंत्रता आंदोलन चल रहा था। अंग्रेजों भारत छोड़ो, अंग्रेजों भारत छोड़ो, भारत माता की जय, भारत माता की जय। आजादी की उत्कंठा सारे देश में हिलोरें ले रही थी, तो भला राजस्थान इसमें पीछे क्यों रहता। डूंगरपुर का प्रजामंडल इन पाठशालाओं की मदद से आजादी का विचार जन जन तक पहुंचाने का काम कर रहा था। शिक्षक श्री सेंगा भाई रोत बच्चों में देश प्रेम की भावना कूट कूट कर भर रहे थे। कालीबाई इन कहानियों को ध्यान से सुनती थी। सुनते सुनते उसका खून खौल उठता था। सेंगा भाई उनके लिए परम आदरणीय थे। कालीबाई अपने गुरु की परम भक्त थी। जैसा कि हमने सुना था कि इस विद्यालय का संचालन प्रजामंडल के सदस्यों द्वारा किया जाता था, प्रजामंडल के सदस्य नहीं चाहते थे कि इस विद्यालय में अंग्रेजों के विरुद्ध बात हो और देश प्रेम की चर्चा हो। प्रजामंडल के सदस्य चाहते थे कि इस विद्यालय को बंद कर दिया जाए, क्योंकि इस विद्यालय में देश प्रेम की चर्चा होती थी। प्रजामंडल के लोगों ने पाठशाला बंद करवाने के लिए एक षड्यंत्र रचा। उन्होंने गांव के लोगों की एक बैठक बुलाई। उस बैठक में पाठशाला के संरक्षक नाना भाई भी उपस्थित थे। नाना भाई ने इस बैठक में प्रण किया कि मैं किसी भी हाल में अपने गांव रास्तापाल की पाठशाला को बंद नहीं होने दूंगा। वास्तव में वे चाहते थे कि हर बच्चे को अच्छी शिक्षा मिले, हर बच्चे के मन में देशभक्ति की भावना जगे। परंतु ये बात रास्तापाल के जागीरदार को नहीं पची। वो नहीं चाहता था कि गांव के लोगों में शिक्षा का प्रचार हो। नाना भाई ने घर घर जाकर लोगों को समझाया
और समझाने के परिणाम स्वरूप एक भी व्यक्ति ने उस बैठक में हिस्सा नहीं लिया। गांव के लोग जब बैठक में नहीं आए तो वो जागीरदार झल्ला उठा। उसने सारी घटना नमक मिर्च लगाकर सामंत को कह डाली। और जून 1947 में डूंगरपुर महारावल के फरमान के बावजूद जब रास्तापाल गांव की पाठशाला बंद नहीं की गई, तो पुलिस सुपरिटेंडेंट और मजिस्ट्रेट दल बल सहित पाठशाला बंद कराने के लिए वहां आ पहुंचे। वो दिन था 19 जून 1947 का। रास्तापाल की पाठशाला के बाहर एक ट्रक आकर रुका। कालीबाई उस समय खेत में गई हुई थी। पाठशाला में उस समय नाना भाई और सिंगा भाई दोनों उपस्थित थे। जिला न्यायाधीश ने नाना भाई और सिंगा भाई से कहा, पाठशाला बंद करो और चाबी हमको दे दो। इस पर सिंगा भाई ने बड़ी नम्रता के साथ कहा, न्यायाधीश महोदय, आप तो न्याय करते हैं। बच्चों को शिक्षा देना तो राज्य का काम है, आप उसे भी बंद करवाना चाहते हैं? यह तो बच्चों के साथ अन्याय है। जिला न्यायाधीश ये बात सुनकर आग बबूला हो गए और बोले, तुम मुझे न्याय की सीख दे रहे हो? अपनी औकात पहले देखो। अभी बताता हूं तुमको, सिपाहियों, इसे ट्रक से बांधकर घसीटो। इस पर नाना भाई हाथ जोड़कर बोले, साहब, ये पाठशाला तो प्रजा मंडल के आदेश से ही तो चल रही है, आपके आदेश से नहीं। हमें पाठशाला चलाने दीजिए, इससे बच्चों का ही भला होगा। पुलिस अधिकारी ऐसा उत्तर भला कैसे सहन कर पाता। वो क्रोध से आग बबूला हो गया। फिर क्या था, उसका संकेत पाते ही सिपाही नाना भाई पर टूट पड़े और उन्होंने नाना भाई की जमकर पिटाई की। इससे वे बुरी तरह घायल हो गए और इसी बीच सेंगा भाई को ट्रक से बांधकर घसीटा जाने लगा। नाना भाई से यह देखा नहीं गया, वे सेंगा भाई को बचाना चाहते थे। किसी तरह नाना भाई उठे और सेंगा भाई को बचाने के लिए आगे बढ़ने की कोशिश की, लेकिन तभी उन पर एक सिपाही ने जोर से बंदूक का कुंदा दे मारा। नाना भाई निढाल होकर जमीन पर गिर पड़े और फिर कभी नहीं उठे। उनके प्राण पखेरु उड़ गए। उधर सेंगा भाई को ट्रक से बांधकर घसीटा जा रहा था। धीरे धीरे ये खबर पूरे गांव और आसपास के गांवों में फैल गई। पाठशाला के बाहर गांव के स्त्री पुरुषों की भीड़ जमा हो गई। लेकिन हर कोई बेबस था, किसी में भी इतनी हिम्मत नहीं थी कि आगे बढ़कर सेंगा भाई को बचा सके। कालीबाई उस समय खेत से पशु चारा के लिए घास काटकर आ रही थी। उसके सिर पर घास का गट्ठर था, उसके हाथ में हसिया था। जब उसने अपने गुरुजी सेंगा भाई को ट्रक द्वारा घसीटे जाते देखा तो उससे ऐसा देखा नहीं गया। उसने आओ देखा ना ताओ, घास का गट्ठर वहीं जमीन पर डालकर उसने ललकार कर कहा, ठहरो, मेरे गुरुजी को इस तरह घसीट कर कहां ले जा रहे हो? ये कहते हुए कालीबाई बिजली की गति से उस ट्रक की तरफ लपकी। उसने ट्रक से बंधी रस्सी को हसिये से एक झटके से काट दिया। सेंगा भाई मौत के मुंह में जाने से बच गए, किंतु अफसोस, सिपाहियों ने कालीबाई को उसी समय गोलियों से भून दिया। उसे बचाने के लिए कुछ औरतें भाग कर आई, उन पर भी निर्मम पुलिस ने लाठियां बरसाई। एक तरफ नाना भाई का शव पड़ा था और दूसरी तरफ लहू से लथपथ कालीबाई। थोड़ी देर में अरावली की पहाड़ियों में भील जनजाति के लोगों द्वारा
शोक प्रकट करने का मारू ढोल गूंज उठा। भारी भीड़ जमा होने लगी, लोगों का आक्रोश बढ़ने लगा, मरो या मारो वाली स्थिति उत्पन्न हो गई। इस विकट स्थिति को समझकर कातिल वहां से भाग खड़े हुए और बेहद जख्मी हालत में कालीबाई को डूंगरपुर के अस्पताल में भर्ती करवाया गया। लगभग 40 घंटे बेहोश रहने के बाद 20 जून 1947 को राजस्थान की इस वीर बाला ने दम तोड़ दिया। कालीबाई तो शहीद हो गई, लेकिन अपने गुरुजी को बचाकर उसने अपनी अखंड गुरु भक्ति का परिचय तो दिया ही, साथ ही उसने जनजातीय लोगों में ही नहीं बल्कि संपूर्ण देश में आजादी का अलख जगा दिया। आज भी रास्तापाल गांव में कालीबाई की स्मृति में एक स्मारक बना हुआ है और वहीं के एक पार्क में कालीबाई की मूर्ति भी लगी हुई है। राष्ट्र इस त्याग की प्रतिमूर्ति नन्ही आदिवासी वीरांगना कालीबाई को कृतज्ञ भाव से नमन करता है। कालीबाई, तुम्हें हमारा सलाम। कालीबाई, एक जनजातीय वीरांगना। अभी आप सुन रहे थे ये कार्यक्रम। विशेष आभार राजेश कुमार निमेश, आलेख एवं कथा वाचन अजीत होरो और वंदना अरिमर्दन, तकनीकी निर्देशन बटी लैंगलिंगडो, ध्वनि अंकन मयंक कुमार, आवरण सज्जा अमित कुमार और कुसुम लता, ध्वनि सहयोग सौम्या मलिक, ध्वनि संपादन निर्देशन एवं निर्माण जगबंधु जाना तथा प्रस्तुति CIET NCERT नई दिल्ली भारत।